अब एक टाइम था जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 6 सुपर हीरो हुआ करते थे, लेकिन एंड गेम के बाद अब इस यूनिवर्स में 20 से ज़्यादा सुपर हीरोज़ हैं और सुपर विलन्स तो और भी ज़्यादा है, और इसी वजह से हमें कई सारे पावरफुल कैरेक्टर देखने मिले। और आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं, पर इस लिस्ट में सिर्फ वही लोग हैं जो अभी के टाइम पर जिंदा है। ओडिन और थैनोस जैसों की बात हम नहीं करने वाले क्योंकि प्रेजेंट टाइमलाइन में वो मर चुके हैं। तो अब लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 10, फास्टोस। अब फास्टोस एक इटर्नल है, और जैसे एवेंजर्स के पास टोनी स्टार्क था, जस्टिस लीग के पास बैटमैन है, वैसे ही इटर्नल्स के पास फास्टोस है। बेसिकली एक इन्वेंटर है और इसका काम है टेक्नोलॉजी को टाइम टू टाइम इवॉल्व करना। एमसीयू में तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी फास्टोस की वजह से ही बना था। अब बाकी इटर्नल्स की तरह फास्टोस के पास कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है। यह अपने थिंकिंग और कॉस्मिक एनर्जी को कंबाइन करके किसी भी टाइप का वेपन या गैजेट बना सकता है। इटर्नल्स की फाइनल फाइट के दौरान फास्टोस ही था जिसने कुछ टाइम के लिए इकरस को ओवरपावर किया था। फास्टोस ने ना सिर्फ इकरस के स्ट्रेंथ को सरपास किया बल्कि इकरस की ऑप्टिकल एनर्जी ब्लास्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, और अपने फर्स्ट फाइट में ही फास्टोस ने स्ट्रॉन्गेस्ट इटर्नल को बराबरी की टक्कर दी है। तो सोचो आगे किस लेवल के वेपन बनाकर एनिमी को बीट करेगा। नंबर 9, विजन। अब वंडा विजन सीरीज में रेड वाला विजन मर चुका है हमेशा हमेशा के लिए, पर वाइट विजन अभी भी जिंदा है। बेसिकली इन्फिनिटी वॉर के बाद स्वॉर्ड नाम की एक गवर्नमेंट एजेंसी ने विजन के बॉडी को ले लिया था, और बाद में उन्होंने वाइट विजन बना दिया। बस पहले विजन का जो पावर सोर्स था वो था माइंड स्टोन, और अब व्हाइट वाले विजन का पावर सोर्स है उसके माइंड पे लगी वो चिप और वंडा का केओस मैजिक। पर व्हाइट विजन वंडा को मार ही देता अगर विजन बीच में ना आता तो। व्हाइट विजन के पास वो सारी एबिलिटीज है जो रेड विजन के पास थी, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, फेजिंग और एनर्जी प्रोजेक्शन। और इसमें फीलिंग्स है या नहीं ये तो हमें आने वाले मार्वल मूवीज में ही पता चलेगा। नंबर 8, इकरस। अब इकरस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इटर्नल है, बेसिकली ये इटर्नल्स का सुपरमैन है। इकरस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है पर वो ज़्यादातर अपने ऑप्टिकल बीम्स यूज करता है, पर ये बीम बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। डेवियंट्स ही काफ़ी मुश्किल से इस बीम से मारते हैं, और ड्र्यूक पर तो इकरस ने फुल पावर से अपने लेजर को रिलीज किया था फिर भी वो जिंदा था। अब इकरस आखिर में सन के अंदर चला गया था सुसाइड करने। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी इटर्नल सिर्फ सन की गर्मी से मर सकता है, बट अगर इकरस मर चुका है फिर भी सेलेस्टियल उसे फिर से बना सकता है उसके दिमाग में न्यू मेमोरीज डालकर। पर ये इटर्नल इस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि इकरस को हमने ऑन स्क्रीन मरते हुए नहीं देखा है, और ये अकेला पूरे इटर्नल्स टीम के बराबर था। नंबर 7, कैप्टन मार्वल। 90s के दौरान कैरल डैनवर्स को स्पेस स्टोन से कुछ पावर्स मिली थी, और इसी वजह से आज वो फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल एवेंजर बन चुकी है। कैप्टन मार्वल इतनी तो पावरफुल है कि वो बड़ी आसानी से स्क्रल्स और क्री वासियों को मार सकती है, और कैप्टन मार्वल ने क्री प्लैनेट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बीट किया है जो अपने आप में काफ़ी बड़ी फीट है। और कैरल पर थैनोस के हेडबट का भी कोई असर नहीं हुआ था, पर आखिर में कैप्टन मार्वल थैनोस के सामने हार गई थी। अब कैरल डैनवर्स की पावर की कुछ लिमिट है, जैसे अगर हम बात करें उसके फिजिकल स्ट्रेंथ की तो कैप्टन मार्वल की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम है अगर हम उसे थैनोस या थोर से कंपेयर करते हैं तो, क्योंकि जब एवेंजर्स थैनोस को मारने उसके गार्डन में गए थे तब कैप्टन मार्वल ने थैनोस को पकड़ रखा था, लेकिन कैरल के पैर से ज्यादा थैनोस के हाथ में स्ट्रेंथ थी और ये हाथ पहले से ही डैमेज हो चुका था। इनफैक्ट ये वो वाला थैनोस था जो पहले से ही अधमरा हो चुका था। और रही बात एनर्जी ब्लास्ट की, तो प्रोटॉन कैनन नॉर्मल इंसानों पर और कुछ मेटल्स को डैमेज करता है। थैनोस ने तो डैमेज हुए इन्फिनिटी गॉन्टलेट से कैप्टन मार्वल के एनर्जी बीम को रोक दिया था, पर कैप्टन मार्वल की एनर्जी एब्जॉर्प्शन एक एडवांटेज बन जाती है फाइट के दौरान। एग्जांपल के लिए अगर इकरस और कैप्टन मार्वल की फाइट होती है तो इकरस की एनर्जी बीम्स यहाँ काम नहीं आने वाले क्योंकि कैप्टन मार्वल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी। नंबर 6, थॉर। अब एक टाइम था जब थॉर इस लिस्ट का नंबर 1 कैरेक्टर हुआ करता था, पर टाइम के साथ थॉर काफ़ी नीचे आ चुका है क्योंकि इन्फिनिटी वॉर के बाद से थॉर को कोई पावर अपग्रेड्स नहीं मिले हैं। एंड गेम में काफ़ी सुपर फैंस को थॉर से उम्मीद थी, लेकिन एंड गेम में थॉर ने कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी काम नहीं किया। इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर और एंड गेम थॉर के पावर लेवल में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ये बात अलग है कि इन दोनों के पास सेम वेपन था, पर अब थॉर 4 आने के बाद हो सकता है कि थॉर पहले से ज़्यादा पावरफुल बन जाए, और क्या पता शायद थॉर अपने लाइटनिंग पावर्स के साथ ओडिन फोर्स भी यूज़ करना शुरू कर दे, क्योंकि थॉर 4 का सुपर विलन गौर द गॉड बुचर है जो सिर्फ स्टॉर्म ब्रेकर और लाइटनिंग स्ट्राइक से तो नहीं मरने वाला। नंबर 5, स्कारलेट विच। अब स्कारलेट विच भले फिजिकली स्ट्रॉन्ग ना हो लेकिन इसकी पावर्स अब डॉक्टर स्ट्रेंज के आसपास है। पहले वंडा टेलीकिनेसिस से चीज़ों को हिलाया करती थी, लेकिन अब मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस के ट्रेलर को देखकर लगता है
कि अब डार्क होल्ड बुक पढ़ने के बाद उसने मल्टीवर्स को हिलाकर रख दिया है। टेक्निकली स्कारलेट विच अब एक रियलिटी मैनिपुलेटर बन चुकी है, जिसकी वजह से अब कोई भी ऐसा सुपर हीरो या सुपर विलन जो फिजिकल अटैक बेस्ड है वो स्कारलेट विच को बीट नहीं कर सकता। वंडर विजन सीरीज में ही स्कारलेट विच काफी ज्यादा पावरफुल थी। जो बंदी अपने विल पर बच्चे पैदा करके उनके अंदर सुपर पावर्स डाल सकती है, उसके लिए इम्पॉसिबल जैसा शायद ही कुछ होगा। और क्या पता शायद आगे चलकर स्कारलेट विच ही एमसीयू सुपर हीरोज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए। बट एक सुपर हीरो है जो वंडा से अभी भी पावर लेवल में ऊपर है, जो है डॉक्टर स्ट्रेंज, जो आज की लिस्ट पर नंबर 4 पर है। अब स्टीवन स्ट्रेंज की बॉडी भी एक नॉर्मल इंसान की है, पर सोर्सरर सुप्रीम होने के नाते डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ टाइम मैनिपुलेशन को छोड़ के, क्योंकि अब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन नहीं है। पर डॉक्टर स्ट्रेंज को कई तरीके के स्पेल्स आते हैं, जो हम इन्फिनिटी वॉर में देख चुके हैं, और साथ में मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जितना भी बकेड़ा वंडा ने खड़ा किया है सब डॉक्टर स्ट्रेंज को ही ठीक करना है। और हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 आने के बाद स्टीव उतना ही पावरफुल बन जाए जितना वो व्हाट इफ में बन गया था, क्योंकि जहाँ स्ट्रेंज रहता है वहाँ के लाइब्रेरी में नॉलेज की कोई कमी नहीं है। काइसिलियस ने सिर्फ 2 पेजेस पढ़े थे और वो सीधा डोरमामू को अर्थ की ओर ले आया था, तो हम सोच भी नहीं सकते कि स्ट्रेंज नॉलेज लेकर क्या कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अभी के लिए तो हम डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर्स की क्या लिमिट है वो गेस नहीं कर सकते, पर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद हो सकता है कि हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि डॉक्टर स्ट्रेंज कितना पावरफुल है। नंबर 3, सर्टर। अब थोर के ट्रायलॉजी में सर्टर अब तक का सबसे पावरफुल बींग है। इसकी हाइट एसगार्ड से भी बड़ी थी और ये इतना पावरफुल था कि हल्क और हेला इसका कुछ नहीं उखाड़ पाए। टेक्निकली एमसीयू में सर्टर ने हमें दिखाया कि एक स्काई फादर किस लेवल की पावर होल्ड करता है। एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करना नियरली इम्पॉसिबल था, बट सर्टर ने सिर्फ अपने सोर्ड से एसगार्ड को कोर से डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी सर्टर अपने रियल लिम में आराम कर रहा होगा, क्योंकि सर्टर का गोल था एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करना, जो उसने कर दिया। पर अब क्वेश्चन आता है कि जब सर्टर इतना पावरफुल है तो नंबर 3 पर क्यों है? तो बेसिकली सर्टर को 500,000 साल पहले ओडिन बीट कर चुका है। ओडिन ने जान से नहीं मारा था, लेकिन टेक्निकली ओडिन सर्टर से उस टाइम ज़्यादा पावरफुल था। और दूसरी बात, अब सर्टर इमोर्टल नहीं रहा। सर्टर की किस्मत में ऐसा लिखा था कि जब तक एसगार्ड डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता वो नहीं मरेगा, पर क्योंकि अब एसगार्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है इसलिए सर्टर अब इमोर्टल नहीं है और उसे मारा जा सकता है। नंबर 2, डोरमामू। अब पिछले साल की लिस्ट में डोरमामू फर्स्ट पोजीशन पर था, पर अब ये सेकंड पर आ चुका है। पर डोरमामू आज भी उतना ही ताकतवर है कि अगर आज वो अर्थ पर अटैक कर दे तो सारे एवेंजर्स मिलकर भी उसे बीट नहीं कर सकते, क्योंकि डोरमामू एक इमोर्टल बींग है जिस पर स्पेस और टाइम का कोई असर नहीं होता है। ऊपर से डार्क डायमेंशन की वजह से उसका साइज एक प्लैनेट जितना है, और एंशिएंट वन के हिसाब से डोरमामू को बीट करने के लिए टाइम स्टोन कंपलसरी सोर्सरर सुप्रीम के पास होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये बात सच है। सोच के देखो, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन नहीं होता तो डोरमामू को वो कैसे बीट कर पाता? बेसिकली वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के जीतने के चांसेस जीरो थे। इनफैक्ट टाइम स्टोन के साथ भी डोरमामू हारा नहीं था, वो बस भावताव करके अर्थ से दूर चला गया। लेकिन किसे पता, हो सकता है कि वो फ्यूचर में वापस आ जाए। वैसे कमेंट सेक्शन में सुपर फैंस पूछ रहे थे कि डोरमामू ने टाइम स्टोन को ही डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर दिया, तो इसका आंसर है डोरमामू ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता। डॉक्टर स्ट्रेंज जब डोरमामू से फाइट कर रहा था तब उसने फाइट शुरू होने से पहले ही टाइम स्टोन से लूप बना दिया था, तो अगर डोरमामू स्टोन को डिस्ट्रॉय भी कर देता तब भी टाइम लूप फिर से शुरू हो जाता। अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, जो है सेलेस्टियल्स। अब सेलेस्टियल्स इस यूनिवर्स के सबसे पहले बींग्स है जो कम्प्लीटली वॉइड में रहते थे, लेकिन टाइम के साथ इन्होंने सन को बनाया और वॉइड में रोशनी लाई, उसके बाद बिग बैंग किया जिसकी वजह से यूनिवर्स में लाइफ फॉर्म बनना शुरू हुए। ऐसे ही कई सारे प्लैनेट्स बनाए और न्यू सेलेस्टियल को पैदा करने के लिए इटर्नल्स बनाए। एक सेलेस्टियल का साइज हमारे अर्थ से 100,000 टाइम्स बड़ा हो सकता है, और जब एक सेलेस्टियल पैदा होता है तब एक पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर आगे चलकर वो सेलेस्टियल कई सारे गैलेक्सीज बनाता है। पहले सेलेस्टियल से इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज़ किया करते थे, पर ये अब इतने पावरफुल बन चुके हैं कि इन्हें इन्फिनिटी स्टोन्स की कोई ज़रूरत नहीं है। सेलेस्टियल बेसिकली मैटर और डार्क एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और जब भी कोई सेलेस्टियल किसी जगह से टेलीपोर्ट होता है वह कुछ समय के लिए ब्लैक होल बन जाता है। और अभी के लिए तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसा कोई बींग नहीं है जो सेलेस्टियल को बीट कर सकता है, पर हो सकता है कि फ्यूचर में एमसीयू में गैलेक्टस आ जाए और वो इस लिस्ट की नंबर 1 पोजीशन होल्ड करे। लेकिन अभी के लिए सेलेस्टियल टॉप पर है। और एनी गैलेक्सी से बड़े बींग्स के साथ आज की लिस्ट यही खत्म हो जाती है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी, और अब अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बींग इस लिस्ट में आना चाहिए था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि आजकल हम वहाँ पर भी वर्सेस बैटल कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।